ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मुमरा में MIM कारपोरेटर शाह आलम ने सैनिक नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया था। दरअसल स्टूडेंट विंग MIM और वंचित बहुजन मिलकर स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को लेकर बनाई जा रही है। इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों को स्टूडेंट विंग से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी स्टूडेंट विंग की मुमरा बॉडी नहीं बनाई गई है, मगर स्टूडेंट विंग के महाराष्ट्र अध्यक्ष एडवोकेट कुणाल खरात ने बताया है कि जल्द ही मुमरा में स्टूडेंट विंग की शुरुआत की जाएगी। दरअसल MIM और वंचित का स्टूडेंट विंग बनाने का मकसद है कि स्कूलों की मनमानी जिस तरह से डोनेशन और स्कूलों में ही यूनिफॉर्म कॉपी किताब जबरदस्ती सब कुछ स्कूलों से ही पेरेंट्स को लेने पर मजबूर किया जाता है। एक तरह से आप स्कूल नहीं बल्कि इसे दुकान भी कह सकते हैं। जो कॉपी आपको उदाहरण के तौर पर मार्केट में 20 रुपये में मिलेगी, वो कॉपी पेरेंट्स को स्कूल में 50 रुपये में लेने पर मजबूर किया जाता है। स्कूलों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर और किसी भी कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ MIM वंचित स्टूडेंट विंग काम करेगी। स्टूडेंट विंग के महाराष्ट्र अध्यक्ष एडवोकेट कुणाल खरात और कारपोरेटर शाह आलम कारपोरेटर जफर सैयद ने क्या कुछ कहा है। ये जो प्रोग्राम था, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो स्टूडेंट विंग है उसके कार्यरत में काम में था। हम लोग पूरे महाराष्ट्र में घूमकर हमारी स्टूडेंट विंग फैला रहे हैं। हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुका में, हर कॉलेज में हम जाने वाले हैं। वहाँ तक हम हमारी स्टूडेंट विंग पहचानने वाले हैं और वही ये स्टूडेंट विंग के माध्यम से हम पूरे महाराष्ट्र में जो स्कूल के प्रॉब्लम से, कॉलेज के प्रॉब्लम से, जो बच्चों के प्रॉब्लम से, छोटे या बड़े हो, कोई भी हो, उनके जो प्रॉब्लम से वो हम सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। नहीं, हमारी हम पहचान तो छोड़ेंगे नहीं, हमारी पहचान MIM ही रहेगी और उसकी विंग स्टूडेंट विंग रहेगी। तो हम इसके आगे वो विंग के माध्यम से ही काम करने वाले हैं। मतलब स्कूलों के माध्यम से कि स्कूलों में क्या क्या तकलीफें हैं, उन पर क्या क्या चीज़ पर वो एक्शन ले सकेंगे। ऐसे आज के दिनों में आप देख रहे होंगे स्कूल में डोनेशन की तकलीफ है। हर बच्चों को सख्ती की जाती है कि आप यहीं से किताबें लो, यहीं से यूनिफॉर्म लो, यहीं से जो भी लेना है वो यहीं से लो। वो तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुकान है या स्कूल है, ये दोनों का डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो ये दुकान हमको बंद करने की और स्कूल चालू करने की है, तो इसके लिए हम ये सबसे हम काम करने वाले हैं। अच्छा, तो आपकी जो ये MIM की तरफ से जो है गठित हो रही है, तो ये क्या हो चुकी है या अभी सिर्फ आप लोगों का ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही चल रहा है? नहीं, ये हो चुकी है ऑलरेडी। मैं अभी महाराष्ट्र प्रेसिडेंट बनाया जा चुका हूँ। मैं अभी पूरे महाराष्ट्र में घूमकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सिटी प्रेसिडेंट, जो भी पोस्ट होती है वो हम सब देखे पूरे यूनिट बनाएंगे और अगले एक दो महीने में, अगस्त महीने में ही पूरे महाराष्ट्र का मेड़ावा लेके असद साहब के हाथ से हम टोल फ्री नंबर डिस्क्लोज करेंगे। वो नंबर पे अगर कोई भी विलेज महाराष्ट्र का हो, गाँव हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, किधर से भी पेरेंट्स फ़ोन करे, बच्चा स्कूल का बच्चा फ़ोन करे या फिर कॉलेज का कोई बच्चा फ़ोन करे, हम वो उसका कॉल रिसीव करेंगे हमारी विंग और उसका जो प्रॉब्लम हो हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से ये स्टूडेंट विंग्स है तो ये मुमरा में भी अब कहीं ना कहीं आ रहा है, तो इसको लेकर जिस तरह से खास तौर पे मुमरा की जो स्कूलें हैं उस पर आप लोग भी आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं अभी भी भ्रष्टाचार है स्कूलों में, तो इसको लेकर आपके जो स्टूडेंट विंग्स है क्या ये मुमरा के स्कूलों का दौरा खास तौर पर करेगी और जो तकलीफें हो रही लोगों को उसको लेकर कदम उठाएगी ठोस का? बिल्कुल, जो अभी मेरी कमेटी गठित हो रही है स्टूडेंट विंग की मुमरा के अंदर, ये लोग भी जो स्कूलों में और कॉलेजों में जाएंगे, जिस तरीके का आपको मालूम है कि सेम्बोसेज में अगर एडमिशन कराने का मतलब है, सीनियर केजी में कराने का मतलब 50,000 रुपया। एक गरीब का बच्चा, एक गरीब भी सोचता है कि मैं अपने औलाद को अच्छी स्कूल में पढ़ाऊँ, वो कहाँ से पढ़ाएगा सेम्बोसेज में? तो इसके लिए हम लोग एक ये कर रहे हैं कि भाई एक सिस्टम होना चाहिए। अभी हम यहाँ मुंबई में पैदा हुए, मैं 7वीं में 7 रुपया, 8वीं में 8 रुपया, 9वीं में 9 रुपया, 10वीं में 10 रुपया फ़ीस थी। आज यहाँ पे 50,000 रुपया फ़ीस है सीनियर केजी के बच्चों की। और दूसरा सिस्टम, यहाँ पे एक अलग सिस्टम चल रहा है, एक ट्रेंड बन गया है कि स्कूल से ही कॉपी लेने का, स्कूल से यूनिफॉर्म लेने का, स्कूल से ही चप्पल लेने का। तो ये चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। स्कूल का मतलब है तुम सिर्फ तालीम दो अपने बच्चे स्कूल में बच्चों को, वहाँ ये नहीं करना कि आप यूनिफॉर्म हमारे स्कूल से लो, आप कापी किताब हमारे स्कूल से लो, जूते चप्पल हमारे स्कूल से लो। ये चीज़ ख़त्म होना चाहिए और उसी लिए ये जो कहीं ना कहीं स्कूल जो है वो मनमर्जी करते हैं और परिजनों पर दबाव डाला जाता है कि वो हर चीज़ स्कूल से ही खरीदे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो, आप इस्लाम भाई जिस तरह एक आप सर्वे निकाल लो मुमरा के अंदर पेरेंट्स का, तो आपको उस चीज़ मिलेगी उनसे, वो खुद आपको बताएंगे कि हाँ हमको इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ है,
कि जो बुक 7 रुपये की आना चाहिए, इसको बाहर 7 रुपये का अगर मिलती है तो यहाँ 17 रुपये की लगती है। अभी एक मेरा पहचान वाला आया था मेरे पास, 750 रुपये की 5 बुक थी, और वही बुक बाहर उससे उसने लाया तो 250 रुपये की थी। तो आप बताओ, अगर वो गरीब के घर के बच्चा पढ़ेगा तो उसका 500 रुपया बचेगा तो 2 दिन का उसका राशन भरेगा। तो हमारा यही कहना कि आप तालीम दो। तालीम हमारे देश में 2 चीज़ की बहुत मान्यता थी, बहुत इज्जत थी, एक डॉक्टर की, एक मास्टर की, टीचर की। लेकिन आज ये दोनों चीज़ बिजनेस बन गई है, एक इंडस्ट्री बना दिया। हॉस्पिटल एक इंडस्ट्री बन गई है, स्कूल एक इंडस्ट्री बन गई है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इसके लिए थोड़ी मेहनत करें, कोशिश करना हमारा काम है। जफर भाई, जो स्टूडेंट विंग्स बनी है तो इसको लेकर आप लोग भी क्या स्टूडेंट के साथ में चलोगे स्कूलों के खिलाफ? जी, सबसे पहले तो मैं मुमरा शहर में एडवोकेट कुणाल खरा साहब का इस्तकबाल करता हूँ कि उन्होंने यहाँ आ करके यहाँ के जो दबी कुचली पिछड़ी जनता है जो यहाँ रह रही है, जहाँ स्कूल का बहुत मारी मारा है, पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे है, आ करके स्टूडेंट यूनियन का उन्होंने इस तरह से स्टूडेंट विंग का जो एक मीटिंग रख करके यहाँ के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, मैं उसके लिए उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ कि मुमरा शहर जो है 9 या 10 लाख की लगभग आबादी है, यहाँ पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे हैं। मैं उनसे ये इल्तिमास करूँगा कि ज़्यादा ना बोल करके आपसे बस यही कहूँगा कि आप मुमरा शहर की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जहाँ ज़रूरत पड़ी MIM पार्टी हम लोग आपके साथ एकदम हैं। MIM वंचित स्टूडेंट विंग्स मुमरा में जल्द ही गठित होगी और स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाएगी। कुणाल खरात ने यह भी बताया है कि जल्द ही टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र के स्टूडेंट अपनी समस्या बता सकेंगे। और स्टूडेंट विंग्स स्कूल कॉलेज में हो रहे मनमानी पर नज़र रखेगी, किसी भी छात्र छात्राओं और पेरेंट्स के साथ अन्याय ना हो। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।